हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 2.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 21। क्या कह रहा है कि यदि एक्स माइनस वन एवं एक्स प्लस थ्री जो है इस बहुपद के गुणनखंड हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके दोनों को लेंगे। देखिए एक्स माइनस वन जो है लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स माइनस वन बहुपद एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस बी का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ऐसा हम लोग पहले लिखते हैं। तो जब ये गुणनखंड है तो इसका मतलब अगर x माइनस वन इक्वल टू जीरो करके यानी x की जगह पे वन रख दें इस बहुपद का मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि x का गुणनखंड था x माइनस वन, यानी कि वन रखने पे जीरो आ जाएगा, यानी हो जाएगा वन का क्यूब माइनस ए इंटू में वन का स्क्वायर माइनस का 13 गुना में वन और माइनस प्लस का बी इक्वल टू में जीरो। तो ये एक माइनस का ए माइनस का 13 प्लस का बी इक्वल टू जीरो। तो माइनस का ए प्लस का बी माइनस 12 इक्वल टू में जीरो, यानी कि हम लोग बी का मान यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस का 12, समीकरण एक ले लेते हैं। अब दूसरे वाले पे लेते हैं, दिया हुआ है कि एक्स प्लस थ्री जो है ना बहुपद, बहुपद क्या है एक्स का क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस बी का एक गुणनखंड है, इसका भी एक गुणनखंड है। तो जब ये गुणनखंड है तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अगर हम लोग माइनस थ्री रख देंगे इस बहुपद में, ठीक है माइनस थ्री रख दें x बराबर माइनस थ्री पर, तो बहुपद का मान जीरो हो जाएगा क्योंकि x प्लस थ्री इसका गुणनखंड है। तो हो जाएगा माइनस तीन का क्यूब माइनस ए इंटू में माइनस तीन का स्क्वायर माइनस का 13 इंटू में माइनस का 3 और प्लस बी इक्वल टू जीरो। माइनस का 27, ये माइनस का 9a और यहाँ प्लस का 39 प्लस बी इक्वल टू में जीरो। यहाँ से माइनस का 9a प्लस का b और यहाँ प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे तो 12 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ b की जगह a प्लस का 12 नहीं रख दे तो माइनस का 9a प्लस के b की जगह आ जाएगा a प्लस का 12 प्लस 12 इक्वल टू में जीरो। कैसे हुआ? तो समीकरण एक से हो गया, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए माइनस का 8a प्लस का 24 इक्वल टू जीरो, उधर जाके माइनस का माइनस 8a इक्वल टू में माइनस का 24, ये जाएगा भाग में तो ए का वैल्यू आ जाएगा 3, 8 3 24 माइनस में सट गया, ए का वैल्यू 3। अब समीकरण एक देखिए, समीकरण एक से देखिए, समीकरण एक में क्या था तो बी इक्वल टू में था ए प्लस का 12, यानी कि आ जाएगा बी इक्वल टू में 3 प्लस का 12, तो बी का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू 3 हो गया और बी का वैल्यू 15 हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13।